आ सामने में नदी है, तो चलिए घुमा के दिखा दो यार, देख सकते हैं नदी एकदम पूरा, एकदम यहाँ पूरे एकदम यहाँ से वहाँ तक नदी ही नदी है। हम नदी के किनारे आउटडोर पे वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको पहले बता दिए थे कि हम सेटअप पे भी ये वीडियो शूट कर सकते थे, बट हम सोचे क्यों ना हम आउटडोर करें, ये ब्लॉग वीडियो है तो आउटडोर वीडियो शूट करें ताकि अच्छा भी लगे, फील भी होता है भाई अलग से शूट करने, बाहर में शूट करने से और भी खूब मजा आता है, क्या बताएं, ये इतना एंजॉय है ना, वीडियो बनाते बनाते एंजॉय भी उतना हो जाता है। हे गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो सिंपली दोस्तों, ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए और ब्लॉग वीडियो कैसे बनाते हैं, मोबाइल या कैमरा, अगर मेरे पास मोबाइल है या कैमरा है तो हम मोबाइल या कैमरा को किस तरह से रखें ताकि हम अपने ब्लॉग वीडियो को बना पाएंगे, और हम अपने ब्लॉग को कैसे बनाएं ताकि हम अपने ब्लॉग को अच्छी तरह से बना पाएं। तो सिंपली दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी सेटअप है, हम ये वीडियो को सेटअप पर भी बना पाते हैं, बट ब्लॉग से रिलेटेड बनाए हैं तो ब्लॉग जैसा ही इस वीडियो को हम शूट करना चाहते थे, इसलिए हम आउटडोर शूट कर रहे हैं। बट अब मुद्दे की बात करते हैं। तो सिंपली दोस्तों, ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए हम चार पॉइंट्स पे बात करेंगे, हम चार पॉइंट्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ब्लॉग वीडियो कैसे बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं, और हम अपने ब्लॉग में कैसे बोले ताकि हम अपनी वीडियो में अपनी ब्लॉग में अच्छी तरीके से बात कर सके, यानी अपने ऑडियंस को अच्छी तरीके से बता सके। जैसे कि हम किसी को दिखाना है तो हम अपने ऑडियंस को कैसे दिखाएंगे, तो हम आपको चार पॉइंट्स में बात करेंगे। तो इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले अपने पास यानी हमारे पास एक मोबाइल होना चाहिए, माइक हो या ना हो तो भी हम चलेगा, एक एंड्रॉयड मोबाइल से भी आप अपनी वीडियो को शूट करके डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, यानी अच्छी तरह से बिना माइक के भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, या आपके पास ऑलरेडी कैमरा है तो कैमरा से भी आप ब्लॉग बना सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से भी बना सकते हैं। तो अब सेकेंड में बात करते हैं, उसके बाद हम अपने मोबाइल को कैसे पकड़ेंगे, अगर आपके पास कैमरा है तो आप कैमरा से भी ब्लॉग बना सकते हैं, मेरे पास मोबाइल है तो हम मोबाइल से बता रहे हैं, कैमरा से भी सेम उसी तरह प्रोसेस करना है जैसे हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। तो सिंपली मेरे पास मोबाइल है तो सिंपली सबसे पहले हम आपको पकड़ने का तरीका बता देते हैं, यानी मोबाइल को पकड़ने का तरीका बता देते हैं, कैसे हम अपने हाथ से यानी पकड़ेंगे ताकि हम अपनी वीडियो को शूट कर पाएंगे, अपने ब्लॉग को अच्छी तरीके से शूट कर पाएंगे। सिंपली सबसे पहले ये रहा मेरा मोबाइल और ये रहा मेरा पांचों उंगली, तो हम पकड़ना कैसे, तो ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला उंगली हो गया और ये सेकेंड वाला उंगली हो गया, यानी सबसे लास्ट वाला उंगली। तो हमें करना कि ये रहा मेरा मोबाइल और ऐसे पकड़ना, यानी ये फर्स्ट वाला उंगली को ऊपर रखना और सेकेंड वाला उंगली को नीचे रखना, और ये दोनों उंगली को हम पीछे रखना, और ये वाला जो है ये वाला उंगली को वीडियो को चालू यानी ऑन ऑफ करने के लिए, वीडियो को चलाने के लिए और बंद करने के लिए, ये हमेशा काम के लिए रखेगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये मेरा वीडियो, हम पकड़ लिए मोबाइल को, यानी कहीं भी जाके आराम से इस वीडियो को हम शूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा, यानी कहीं भी जाके हम ऐसे करके एकदम कोई दिक्कत, मोबाइल गिरेगा भी नहीं, देख सकते हैं आसानी से एकदम कस के पकड़ लीजिए। उसके बाद वीडियो को दबाने के लिए यहाँ चालू करने के लिए ये वाला बटन से हम वीडियो को चालू करके ऐसे हम कोई भी चीज़ बोलना चाहें, हे गाइस कैसे हैं फलाना चाहें, जो भी आप बोलना चाहें आप अपनी वीडियो में इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये हो गया, आप बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के, कोई भी कैमरा लेकर आप शूट कर रहे हैं तो आपको कैमरा में सिर्फ देखना है, ठीक है ना। तो हम मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल हमें एंड्रॉइड मोबाइल है, मोबाइल से कर रहे हैं तो हमें करना है क्या कि ये जो कैमरा है ना, ये देख सकते हैं ये मोबाइल का कैमरा आगे वाला, जैसे हम ऐसे करके हम देख सकते हैं ये आगे वाला कैमरा है, तो हमेशा सबसे पहले मेन पॉइंट मेन वीडियो बनाने से पहले आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको देखना कहाँ है, डिस्प्ले को नहीं देखना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कैमरा जो है ना, कैमरा को देखना है हमेशा, से इस तरह आप बात कर रहे हैं जैसे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इस तरह वीडियो शूट कर रहे हैं, हमें हमेशा कैमरा को देखना है, यानी डिस्प्ले को नहीं देखना है, ठीक ना। कैमरा को देखने के बाद होगा क्या कि आप जो भी वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि ये वाला वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हम अपने कैमरा को देख रहे हैं, अगर आप डिस्प्ले को देखिएगा तो आप जिस तरह डिस्प्ले को देखिएगा तो अपनी वीडियो में जिस तरह मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो हम अपने मोबाइल के कैमरे को देख रहे हैं, मोबाइल को नहीं देख रहे हैं, ये कैमरे को देख रहे हैं। कैमरे से होता है क्या, देखने से कि आपको जिस तरह देख सकते हैं, हम अपने मोबाइल के कैमरे को देख रहे हैं तो हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस तरह वीडियो में हम आपको बता रहे हैं तो हम देखते होंगे कि मेरा जो फेस है वो सिर्फ आपको देख रहा है, आप ही को देख रहा है, जो भी मेरे वीडियो को देखेगा वो सेम एकदम फेस मेरा आप ही को देखेगा, जिस तरह देख रहे हैं ये हम कैमरे को देख रहे हैं आप ही को देखेगा। अगर हम ये कैमरे को नहीं देख के हम मोबाइल को देखेंगे ना तो लगेगा कि ये साइड से किसी और से बात कर रहा है, यानी साइड में बात कर रहा है, तो ये होगा कि आपकी ऑडियंस चाहेगी कि आपको देख रहा है, आप भी उससे बात करें, एकदम फेस टू फेस बात करें, तो इससे होता है कि अपना जो एंगेजमेंट होता है वो बढ़ता है। तो आपको हमेशा देखना है मोबाइल के कैमरे को, डिस्प्ले को नहीं देखना, डिस्प्ले को बाद में तो आप देखने कीजिएगा, लेकिन जब वीडियो शूट करें तो आपको हमेशा देखना है कैमरे को, मोबाइल के कैमरे को देखना है। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, हमें हमेशा बोलना है क्या कि जैसे कि वीडियो बनाते समय जैसे मोबाइल हम पकड़ लिए, मोबाइल को हम पकड़ लिए, कैमरा को बोल रहे हैं, जैसे ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, तो आपको जो भी बताना चाहिए, जैसे बैकग्राउंड के बारे में, किसी के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो आपको
हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है। आप किसी आउटडोर अकेले में वीडियो शूट कर रहे हैं या पब्लिक प्लेस में कहीं भी जाके वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक ना। आपको सिंपली करना है कि ऐसे मोबाइल खोल लिए, अपना ओपन कैमरा ओपन कर लिया, वीडियो चालू कर दिए, उसके बाद आपको सिर्फ ऑटोमेटिक बोलना है, यानी बोलना है डायरेक्टली। बोलने से आपको खींच अपने वीडियो में, यानी डरना नहीं है किसी से। हम किसी, अरे वीडियो बना, ब्लॉग बना रहे हैं भाई, ब्लॉग बना रहे हैं, कहीं भी कोई भी वीडियो बना के शूट करेंगे, डाल देंगे, क्या दिक्कत, डरेंगे काहे भाई। इससे होता है ना कि नया नए जो क्रिएटर होता है, नए नए जो वीडियो बनाने आते हैं, वो हिचकिचाता है, डरते बहुत है, क्योंकि पहले हम भी अपने वीडियो को शूट कर रहे थे तो बहुत डरा करते थे, इतना डरते थे कि क्या बताए। मेरे फर्स्ट वाला वीडियो देखिएगा ना, कहिए वाह तो बोल नहीं पा रहा। अभी जब बात कर रहे हैं फेस टू फेस देखना, ये आसानी से हम आपके सामने कैमरा के सामने आसानी से बोल पाते हैं, यानी कोई भी दिक्कत नहीं होता। अभी जब ये चारों पॉइंट्स में हम क्लियर कर दिए, सबसे पहले मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, उसके बाद हम अपने मोबाइल को कैसे पकड़े ताकि हम अपनी वीडियो को ब्लॉग को अच्छी तरह बना पाएँ, और उसके थर्ड में बताएँ कि मोबाइल के जो डिस्प्ले को हमें नहीं देखना है, यानी कैमरा को हमेशा हमें फोकस करना है, यानी अपने कैमरे पर फोकस करना है। यानी थर्ड में फोर्थ में बताएँ कि आपको बोलना कैसे है, हमेशा अपने ब्लॉग में अच्छी तरीके से बोले ताकि कोई दिक्कत ना हो, तभी आपकी वीडियो चलेगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए अब दूसरी वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।